ढेर सारे एक्सक्लूसिव लीक्स, काफी सारे न्यू अपडेट्स और कई जानकारियों के साथ हम एक बार और आ चुके हैं बिगेस्ट अपडेट्स लेकर। जैसे कि ऑल ऑफ अस रेड के प्रोडक्शन काम इस जुलाई तक एंड हो जाएगा। कई सारे न्यू कास्ट इस शो में होने वाले हैं, जैसे कि ब्लैक पिंक की एक मेंबर जीसू। क्या करता है रे तेरी तो? नहीं, एक्चुअली ये जीसू के होने की चांसेस ज्यादा है। आई नो वियर्ड अपडेट है, पर इस जैसे और भी काफी सारे एक्साइटमेंट वाले अपडेट्स होने वाले हैं सीजन 2 को लेकर। इसमें काफी कुछ दिखेगा एंड बहुत एक्सक्लूसिव लीक्स फुटेजेस आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो जानना चाहते हो कि इस न्यू सीजन में क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी होगी और आखिर कब तक ये सीरीज हमें देखने को मिलेगी? तो अगर आप इस अपडेट्स को लेकर परेशान हो चुके थे तो चिल मारो, इस वीडियो में हमें लगभग सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं एंड कुछ ऐसे फुटेज मैं दिखाऊंगा जिस पर देखकर आप भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। आई नो मैं ऑल ऑफ अस रेड पर ज्यादा वीडियोस नहीं बनाता एंड फिलहाल काफी स्लोली वीडियोस भी आ रही हैं चैनल पर, बट रीजन इज वेल रिसर्च्ड कंटेंट, सो हैव सम पेशेंस एंड ये वीडियो हर एक ऑल ऑफ अस रेड के फैंस के साथ शेयर करना। टारगेट 3000 लाइक्स का है तो उसे भी कंप्लीट कर देना। तो चलो जानते हैं क्या है ऑल ऑफ अस रेड की रिलीज डेट, कौन कौन से कास्ट या कैरेक्टर्स हमें सीरीज में दोबारा देखने को मिलेंगे, सीजन 2 में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है, क्या एक्सक्लूसिव पिक्चर्स वीडियोस निकल कर आई हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और सीजन 2 में क्या और किस चीज पर फोकस किया जाने वाला है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मन बुद्धि पाल। किसी भी तरह की अपडेट्स के बारे में बात करने से पहले अगर आपको अभी भी डाउट है कि क्या सीजन 2 सही में आएगा, तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि हाँ, आपका सवाल ऑब्वियस है क्योंकि के ड्रामा हमेशा एक सीजन का ही होता है, लेकिन ऑल ऑफ अस रेड ने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिए थे एंड उसके बाद से इसका सेकंड पार्ट की खबरें भी मिलने लग गई थी। इनफैक्ट हमने एक साल पहले वीडियो बना दिया था कि इसका सेकंड पार्ट जरूर बनेगा, क्योंकि इसकी एंडिंग भी कुछ इस तरह से हुई थी जहां हमें नामरा लास्ट में दिखती है एंड वो बोलती है कि और भी हार्म बीज एग्जिस्ट करते हैं एंड वो देन बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है एंड बाकी सब देखते रह जाते हैं। तो जो भी लोगों का डाउट था वो क्लियर हो चुका है जब नेटफ्लिक्स की गीकेड वीक 2022 वाले इवेंट में इसे ग्रीन लाइट ऑफिशियली मिल गई थी। मतलब कि इसमें कोई डाउट नहीं है और कोई भी शक नहीं है कि हमें सीजन 2 देखने को डेफिनेटली मिलेगा। अब सवाल आता है कि इसमें कौन कौन से कास्ट होंगे, जिसके बाद हम प्लॉट्स की बात करने वाले हैं और शूटिंग से रिलेटेड लीक्स और एक्सक्लूसिव पिक्चर्स और वीडियोस भी आपको दिखाएंगे और देन हम रिलीज डेट की भी बात करेंगे। तो एक्सक्लूसिव लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि इसमें कोरिया के बिगेस्ट एक्टर्स और बड़े नेम्स शामिल होंगे, जैसे कि ब्लैक पिंक की मेंबर जीसू को एक्चुअली में कास्ट कर लिया गया है। लेकिन बता दूं फिलहाल ऑब्वियसली अभी ऑल ऑफ अस रेड वाले ऑफिशियल्स ने कुछ भी नहीं बताया ताकि वो बाद में इससे रिलेटेड हाइप बिल्ड कर सके। इसके अलावा एक और तगड़े कोरियन एक्टर को इसमें शामिल किया जाने वाला है जिसका नाम है विंसेंजो फेम एक्टर सोंग जुंग की, जिसने विंसेंजो के बाद काफी ज्यादा दबदबा अपना इंडस्ट्री में बना लिया है। खैर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं है, बल्कि अभी जो आपको मैं बताऊंगा वो होगा सबसे बड़ा सरप्राइज। पर उससे पहले जान लो कि कई नेगेटिव कैरेक्टर्स इस बार हमें नहीं देखने वाले हैं, जैसे कि गुइनाम के कुछ बुली फ्रेंड्स वगैरह। लेकिन हाँ, सोहयोक, नामरा और ओंजो वापस आ रहे हैं एंड जिस सबसे बड़े सरप्राइज की मैं बात कर रहा हूँ वो है अगले कास्ट के बारे में, जिसके बाद तुम सीधा चांद पर पहुंचने वाले हो एक्साइटमेंट से। एंड दैट इज हमारा चोंगसान भी इसमें वापस आ रहा है। क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं, इवन ये रहे वो स्पेशल लीक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर दिया था और जिसमें आप खुद भी चोंगसान को देख सकते हो। स्टिल भरोसा नहीं होता ना, तो ये देखो, ये जगह तो याद होगी। हाँ, ऑल ऑफ अस डेड का वही स्कूल वाला सीन। अब इस बात पर लाइक कर ही दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। खैर तो अब कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हारी एक्साइटमेंट चांद पर पहुंच गई है। अगर नहीं तो अभी जो मैं आगे और कुछ बताने वाला हूँ उसके बाद तो डेफिनेटली पहुंचेगी, क्योंकि इसकी मैं पूरी की पूरी स्टोरी आपसे शेयर करने वाला हूँ कि क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। वैसे बता दूं, अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो या मुझसे नहीं कनेक्टेड हो तो यार वहां पर आके मुझसे कनेक्ट हो जाओ, ये सब मैंने वहां पर ऑलरेडी बता दिया है, तो जाओ जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। बाकी सही बता रहा हूँ, अगर ये चीजें सही रहती हैं और चोंगसान के आने के साथ सोंजुंग की और सीजू वगैरह भी इसमें दिखेंगे, देन ये न्यू सीजन हर बेंचमार्क को तोड़ेगा और लिटरली इस बार गर्दा उड़ेगा। खैर कास्ट के बारे में आई गेस आप सब काफी जान गए होंगे, तो अब चलो नजर डालते हैं इसकी स्टोरी पर, यानी कि ऑल ऑफ अस रेड के सीजन 2 के प्लॉट पर और किस बारे में ये होने वाली है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे पहला सीजन ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल पर फोकस था, यानी कि कैसे लोग ज़ॉम्बीज से बचेंगे, वहीं सेकंड सीजन ज़ॉम्बीज के सर्वाइवल के बारे में हो। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ एविल ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट्स ज़ॉम्बीज को सप्रेस करे और उन पर एक्सपेरिमेंट करे, जैसे हम और भी कई सारी मूवीज में होते हुए देखते हैं, एंड ज़ॉम्बीज या हार्म बीज सर्वाइवल की कोशिश करेंगे, बिल्कुल जैसे सीजन 1 में गवर्नमेंट ने यूनजी को पकड़कर एक्सपेरिमेंट किया था। तो हो सकता है ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमें सीजन 2 में और भी ज्यादा देखने को मिले। अब देखो, ये ज़ॉम्बीज के सर्वाइवल वाला प्लॉट एक्चुअल में काफी सेंस भी बना रहा है। यू वांट टू नो व्हाई? तो देखो, लास्ट एपिसोड में ही नामरा ने बता दिया था कि हार्म बीज मौजूद है जो सर्वाइव कर गए हैं एंड अभी भी घूम रहे हैं,
मतलब कि नामरा जैसे और भी कुछ लोग जिंदा हैं। कंसिडरिंग दिस, अगर मिलिट्री को इसकी खबर मिल गई, या जैसा हम जानते हैं अभी ऑन्जो की पूरी टीम भी कैंप से बाहर है, तो हो सकता है कि उनके सर्च के दौरान ही पता लग जाए कि ये ऑन्जो की पूरी टीम हामिस के साथ है, और उन्हें और भी हामिस का पता लग जाए तो गवर्नमेंट सर्टेनली उन्हें मार देगी या फिर उन पर एक्सपेरिमेंट करेगी। मतलब कि ज़ॉम्बीज़ के सर्वाइवल वाला प्लॉट एंड स्टोरी बिल्कुल फिट यहां बैठ रही है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि ली ब्योंग चान यानी कि टीचर की वाइफ और बेटे को भी गवर्नमेंट ने मारने की जगह कैप्चर कर लिया था, तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि ये सब ज़ॉम्बीज़ पर एक्सपेरिमेंट ही करेंगे और इसका क्योर ढूंढेंगे। एंड यहाँ हमें और भी इस तरह की कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानने को मिलेगा जिनसे ज़ॉम्बीज़ की फाइट भी आगे चलकर हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ में सोचने की कैपेबिलिटीज है, तो पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन एंड ज़ॉम्बीज़ में फाइट हो तो एक और ज़ॉम्बीज़ की टीम फॉर्म होने लगे जो दूसरे ज़ॉम्बीज़ से लड़े, मींस गुड वर्सेस एविल का प्लॉट भी हमें यहाँ सामने देखने को मिल सकता है, और जिसका मतलब कि यहाँ एक ज़ॉम्बी वॉर सीक्वेंस फॉर श्योर मिलेगा ही मिलेगा, जो किसी भी ज़ॉम्बी मूवीज या सीरीज में पहली बार दिखेगा। इससे पहले जो सबसे ग्रेट वॉर दिखा था वो भी रिक वर्सेस नीगन का रहा है The Walking Dead Season 7 में। तो बस सोचो ज़ॉम्बी वर्सेस ज़ॉम्बी ऑल ऑफ अस डेड के लिए कितना जबरदस्त और रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहने वाला है। इसके अलावा हमें इन ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे के मोटिव्स को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, जिसके बारे में मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। इन सब के अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस बार लोकेशन सीजन 1 की तरह सिर्फ ह्योसान सिटी तक ही नहीं रहेगी, मतलब कि इसे और भी ज्यादा एक्सपैंड करके साउथ कोरियन सिटी में भी फैलाया जाएगा। एंड ये रहा इसका एक्सक्लूसिव लीक्स। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ज़ॉम्बीज़ ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है, विच मींस ज़ॉम्बीज़ को रोकने का प्लान गवर्नमेंट का फेल हो चुका है एंड ये आगे भी जाकर बढ़ रहे हैं। इतने सारे अपडेट्स मैंने दे दिया है एंड आई एम डैम श्योर कि इसमें से 90-95% अपडेट्स सही साबित होने वाले हैं। लाइक ज़ॉम्बी वार सीक्वेंस पक्का दिखेगा, ज़ॉम्बीज़ और सिटीज में पक्का फैलेंगे ही फैलेंगे इसके लीक्स, क्योंकि हमें दिख भी चुके हैं, एंड ज़ॉम्बीज़ पर एक्सपेरिमेंट वाला सीन भी होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, और सर्वाइवल ऑफ ज़ॉम्बीज़ वाला सेगमेंट तो बिल्डअप हो ही रहा है। अब इतने सारे अपडेट्स के साथ सवाल आता है कि इसका सीजन 2 हमें कब देखने को मिलेगा और कब तक रिलीज होगा। तो देखो, इसके लिए पहले ये समझ लो कि सीजन 1 का कंप्लीट प्रोडक्शन का वर्क 8 महीने में हुआ था, तो इस अकॉर्डिंग सीजन 2 की अनाउंसमेंट जून 2022 में हुई थी, विच मींस कि प्री प्रोडक्शन में 3-4 महीने का वक्त एंड देन 8-9 महीने का वक्त प्रोडक्शन में लगेगा, जिससे हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि इसका शूट अगस्त या सितंबर 2023 तक कंप्लीट हो ही जाएगा। एंड वी नो एक्सक्लूसिव लीक्स के बेसिस पर कि इसकी शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो भी चुकी है। खैर, पोस्ट प्रोडक्शन में 4-5 महीने का वक्त लगने वाला है एंड उसके बाद ज़ॉम्बी वॉर का सीक्वेंस भी इसमें है, तो आई गेस कि हाई VFX एंड हैवी वर्क भी देखने को मिले, तो फिंगर क्रॉस कर लो क्योंकि हमें ये दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक श्योरली मिल ही जाएगा। लेकिन देखो, क्योंकि ये ऑफिशियल अपडेट्स नहीं है एंड नेटफ्लिक्स की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई है कि शूटिंग स्टार्ट हुई भी है या नहीं और कितने वक्त का टाइम लगने वाला है, तो हम कुछ भी गारंटीड से तो नहीं कर सकते हैं, और हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे एंड परफेक्शन के कारण चीज़ें और थोड़ी सी खिंच जाएं। बट दिस इज़ माई बेस्ट गेस कि अर्ली 2024 तक ऑल ऑफ अ सडन सीजन 2 हमारे सामने होगी। एज शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, लीक्स हमारे सामने हैं, तो इट्स पॉसिबल एंड यू नो मैं गलत नहीं होता हूँ। वैसे अगर यहाँ तक देख लियो और ज़ॉम्बीज़ रिलेटेड ट्रस्टेड अपडेट्स चाहिए तो ज़ॉम्बी वॉरियर सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से 100K करवाओ ताकि मैं और भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव अपडेट्स खुद कोरिया में जाकर लेके आ पाऊँ। वैसे तुम क्या चाहते हो, एवरेज पोस्ट प्रोडक्शन के साथ दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक सीरीज आ जाए, या फिर परफेक्शन एंड हैवी VFX वगैरह के साथ अर्ली 2024 या फिर अप्रैल 2024 तक में देखें? कमेंट करके जरूर बताना, और कोई और क्वेश्चन हो इसके अराउंड तो वो भी कमेंट कर दो। खैर, अगर तुम्हें ज़ॉम्बी वॉर या ज़ॉम्बी वर्स के बारे में अपडेट चाहिए, जो कि लेटेस्ट ज़ॉम्बी सर्वाइवल सीरीज होने वाली है और जो इसी साल 2023 में नेटफ्लिक्स के द्वारा रिलीज होगी, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके उसके अपडेट्स देख लेना। एंड अगर तुम्हें द लास्ट ऑफ अस टीवी सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना है, तो राइट साइड पर उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, जाकर देख लो। बाय।